या यूट्यूब, आज हम बात करेंगे थोड़ी आध्यात्मिक के बारे में, मोक्ष के बारे में। मोक्ष क्या होता है? कि सच में लोग मोक्ष पाते हैं, आत्माएं? देखिए आप, मैंने इस बारे में थोड़ी सी रिसर्च की, शायद आ किसी को ये सही या किसी को गलत भी लग सकता है। मोक्ष होता है जिस 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 तरह आप अपने लाइफ, अपनी जिंदगी को अभी जी रहे हैं, उसकी जो फल है वो आपको मरने के बाद मिलती है। तो आप किस किस तरीके से आप अपने जिंदगी को अभी जी रहे हैं, उसकी जो परिणाम है वो आपको मिलते हैं। और मोक्ष होता है सभी तरीके के बंधन, सभी तरीके के आशा प्रत्याशाओं, आसक्तियों से समाप्ति का एक स्थान, जिस पर आप एक वैराग्य का एक तरीके से आपके मन में, आपके माइंड में आ जाता है, आपके मस्तिष्क में घुस जाता है, जिसमें आपको कोई वस्तु के ऊपर आसक्ति या निःशक्ति, घृणा या आदर नहीं होता है। वो पैसा हो या पत्थर, आपको एक वो समान लगता है। और ये करना जितना आपको सहज लगता है, उतनी ही ज़्यादा कष्ट है। मोक्ष के बारे में बहुत ही सदा संत संत बोलते हैं कि मन को शांत करना चाहिए, करना चाहिए। इसे करना है तो आपको पहले अपने आप के मस्तिष्क को सही तरीके से चलाना होगा। संसारिक को के जीवन में आप बहुत ही काम आएगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत ही काम आएगा। लेकिन मोक्ष पाने के लिए आपको एक अपने माइंड, अपने मन एवं मस्तिष्क को शांति और एक दिक में लाना पड़ेगा। मुझे मोक्ष के बारे में बोलो, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो पहले आप अपने माइंड को शांत रखें। ये मेरा था मुख्य के ऊपर, आपको तय करना ही पड़ेगा। अगर खुशी खाली जिंदगी जीना चाहते हैं, एक शांतिपूर्ण की जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो आपको स्थिरता जरूरी है।